स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने सिंथेसिस पढ़ी। आज हम नेक्स्ट लेवल पर अगले सेक्शन में ये पढ़ेंगे कि ट्राई एसिल ग्लिसरॉल कैसे सिंथेसाइज होता है और ग्लिसरो फॉस्फोलिपिड्स भी कैसे सिंथेसाइज होते हैं। इसमें हम ये आपको बताना चाहते हैं कि जब भी शरीर में एनर्जी रिक्वायरमेंट कम होती है और इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उससे ज़्यादा हो जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये ट्राई एसिल ग्लिसरॉल में के रूप में फ्यूल के तरीके से स्टोर होने लगता है। एनिमल्स में ही ऐसा होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि एनिमल जो है ग्लाइकोजन के रूप में अपना फूड स्टोर करता है, मगर फिर भी वो इतना सफिशिएंट नहीं होता है कि वो 12 घंटे से ज़्यादा आपकी एनर्जी नीड्स को सपोर्ट कर सके। तो इसीलिए ट्राई एसिल ग्लिसरॉल के रूप में मोस्ट ऑफ द एनिमल्स स्टोर देयर रिजर्व फूड, और उसके कारण जो मैकेनिज्म है वो ट्राई एसिल ग्लिसरॉल को बनाने को फेवर करती है। प्लांट्स भी बनाते हैं ट्राई एसिल ग्लिसरॉल, लेकिन वो इसे ज़्यादातर सीड या फ्रूट में ही स्टोर करते हैं, नट्स वगैरह में, लेकिन एनिमल्स इन्हें एडिपोज टिश्यू में स्टोर करते हैं। अच्छा, ये कहना कि फैटी एसिड जो है वो ग्लिसरॉल ट्राई ग्लिसरॉल में ही चेंज होगा, ये डिपेंड करता है, या ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में चेंज होगा, ये डिपेंड करता है कि नीड ऑफ द आवर क्या है। तो मान लीजिए अगर कोई रैपिडली ग्रोइंग पीरियड चल रहा है किसी एनिमल में, तो जितना भी फैटी एसिड बन रहा है या मौजूद है, अवेलेबल है, वो सारा का सारा मेम्ब्रेन लिपिड्स या ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स बनाने में यूज़ हो जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा टाइम है जहाँ पर ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये सारे के सारे फैटी एसिड्स जो अवेलेबल होते हैं ये ट्राई एसिल ग्लिसरॉल्स में सिंथेसाइज होकर के एडिपोज टिश्यू में स्टोर हो जाते हैं। तो हमने बताया था कि जैसे ग्लाइकोजन जो है वो 12 घंटे से ज़्यादा के लिए अवेलेबल नहीं होता है, केवल इतना ही लीवर वगैरह में स्टोर रहता है, लेकिन ट्राई एसिल ग्लिसरॉल इतना रहता है। मान लीजिए एक 70 किलो का एक आदमी है, तो 70 किलो का एक अगर एवरेज बिल्ड का एक आदमी है, तो उसमें कम से कम 15 किलो ट्राई एसिल ग्लिसरॉल होगा, यानी फैट होगा। वो 15 किलो फैट करीब करीब 12 हफ्तों के लिए सफिशिएंट होता है। तो ट्राई एसिल ग्लिसरॉल्स क्या है, आर द मेन फॉर्म ऑफ फ्यूल फाउंड इन एनिमल्स। अब ट्राई एसिल ग्लिसरॉल और ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स कैसे सिंथेसाइज होंगे, तो ये अपना जो सिंथेसिस का स्टेप्स हैं उसमें शुरू के कुछ स्टेप्स को ये शेयर करते हैं, यानी शुरू का एक या दो स्टेप ऐसा होता है जिससे कि किसी भी तरफ चेंज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू नीड। तो ये क्या बनाएगा, ट्राई एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल, ट्राई एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल बनेगा, जो कि ट्राई एसिल ग्लिसरॉल है। इसके बाद वो चेंज हो सकता है कि कौन सी चीज उसे बनानी है। सपोज कीजिए कि ये एक CH2OH
ये ग्लिसरॉल है। अब ग्लिसरॉल अगर रिसेंथेसिस होनी है तो दो चीजें बनेंगी, एक तो हमें क्या चाहिए, फैटी एसिड कोएंजाइम ए। पहली रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास एक फैटी एसिड कोएंजाइम ए हो। दूसरी रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट हो। दीज आर द रिक्वायरमेंट्स इन बोथ काइंड ऑफ सिंथेसिस। आइदर दे आर चेंजिंग इन टू ट्राई एसिल ग्लिसरॉल और दे आर चेंजिंग इन टू ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स। तो ग्लिसरॉल कहाँ से बनेगा या ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट कहाँ से बनेगा? तो इसके लिए डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट, हमने इसे इंटरमीडिएट ग्लाइकोलिसिस के इंटरमीडिएट के रूप में जाना है, CH2OH। ये जो है एक कंपाउंड है जिसे हम बोलते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन और फॉस्फेट। तो ये DHAP है जो कि ग्लिसरॉल वो क्या कहते हैं ग्लाइकोलिसिस की स्टेप्स में हमें मिलता है, जो कि NAD लिंक्ड। ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की सहायता से, यानी इसमें एक इसमें एक NADH NAD प्लस H में चेंज हो जाएगा। तो ये एक रिडक्शन डिवीजन प्रोसेस है जिसमें कि ये फॉस्फेट चेंज हो जाता है ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट में। ये है ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट में। ये ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट जो पहला पहला स्टेप तो ये है कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट में चेंज हो रहा है ग्लिसरॉल 3-फॉस्फोडिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के द्वारा। दूसरा जो रिएक्शन है वो ये है कि अब इसमें फैटी एसिड कोएंजाइम ए जो है जुड़ेगा, लेकिन फैटी एसिड कोएंजाइम ए कैसे बनते हैं? मान लीजिए ये एक एक विशेष प्रकार का यानी आर्बन टाइप का फैटी एसिड है। तो इसमें हमें क्या जोड़ना है? कोएंजाइम ए। तो इसमें जो एंजाइम काम करेगा वो एसिल को एंजाइम ए सिंथेटेज, एसिल को एंजाइम ए सिंथेटेज बनेगा। तो इसमें क्या होगा, एक
एटीपी यूज हो रहा है प्लस ए को एंजाइम ए एसएच का ग्रुप इसमें ऐड हो रहा है, तो इधर ये क्या बन जाएगा, आर डैश सी ओ एस सी ओ ए, तो ये एक फैटी एसिल कोएंजाइम ए बन गया है। अब ये वाला जो ग्रुप है वो इसके दो ग्रुप पर लगना है, ठीक है, एसिल ट्रांसफरेज। अब जो इसे इसके साथ एस्टर लिंक कौन करेगा, एसिल ट्रांसफरेज। तो ये क्या बन जाएगा, अब हम उसका पूरा डिटेल नहीं बना रहे हैं, अब हम ये बता रहे हैं कि ये ग्लिसरॉल है, इससे एस्टर लिंक के द्वारा एक आर वन जोड़ता है, यानी एक फैटी एसिल कोएंजाइम में जोड़ता है, कोएंजाइम में फिर से बाहर निकल जाएगा, किसके द्वारा जुड़ेगा ये, एसिल ट्रांसफरेज, ये एंजाइम है। अब इसमें क्या बचा हुआ है, इधर की तरफ एक OH बचा हुआ है, इधर की तरफ क्यों है, क्योंकि ये L फॉर्म का ग्लिसरॉल है, और यहां पर पहले की तरीके से एक फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। तो ये फर्स्ट पहले ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, फिर ये दोनों जो फैटी एसिल कोएंजाइम ए है ये इसे रिएक्ट करेगा और एक एसिल ट्रांसफरेस एंजाइम की सहायता से एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप को, जो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसको रिप्लेस करेगा। सेकेंड रिएक्शन में फिर से एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस करेगा और यहाँ पर फिर से एक दूसरा फैटी एसिल लग जाएगा आर टू, यानी ये आर वन था, ये आर टू लग जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, डाई एसिल ग्लिसरोफॉस्फेट, या इसका नाम क्या हो जाएगा, फॉस्फेटाइडिक एसिड। ये जो कंपाउंड बन रहा है जिसमें दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप में एक एक फैटी एसिड लगे हैं आर वन एंड आर टू, और तीसरे पर एक फॉस्फेट का ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसे हम क्या बोलते हैं, फॉस्फेटाइडिक एसिड। तो अब ये फॉस्फेटाइडिक एसिड बन गया है। अब फॉस्फेटाइडिक एसिड के बाद क्या होगा कि अब वो ट्राई एसिल ग्लिसरॉल भी बन सकता है और वो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स भी बन सकता है। हमने देखा कि किस प्रकार जो है जो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट है उससे दो बार फैटी एसिड कोएंजाइम ए जुड़ता है। उसमें हमने आपको पहले भी बताया था कि ऐसा जनरली ऐसा होता है कि जो नंबर वन कार्बन पर फैटी एसिड जुड़ता है वो सैचुरेटेड होता है और नंबर टू कार्बन पर जो जुड़ता है वो अनसैचुरेटेड होता है, लेकिन यहाँ पर अभी फैटी एसिड के नेचर के बारे में कोई मतलब नहीं है। तो दो जुड़ करके ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट के साथ जब ये दो ग्रुप जुड़ जाते हैं तो चूंकि 1 और 2 पे जुड़े हुए हैं इसलिए 1-2 डाई एसिल ग्लिसरॉल और एक फॉस्फेट ग्रुप अभी भी लगा हुआ है, 3 फॉस्फेट बनता है, जिसे हम फॉस्फेटाइडिक एसिड भी बोलते हैं। अब ये फॉस्फेटाइडिक एसिड में अगर ट्राई एसिल ग्लिसरॉल बनना है तो ये फॉस्फेट ग्रुप को हटना होगा, फॉस्फेट ग्रुप को हटना होगा, तो कौन सा एंजाइम काम करेगा, वो जो भी एंजाइम काम करेगा उसका नाम जो भी हो लेकिन एंड में उसका नाम क्या होगा, फॉस्फेटेज। तो यहाँ पर जो डाई एसिल ग्लिसरॉल या फॉस्फेटाइडिक एसिड फॉस्फेटेज जो एंजाइम यूज होता है उसे हम लिपिन भी बोलते हैं, LIPIN लिपिन,
ये क्या करता है कि इस वाले ग्रुप में से एक फॉस्फेट ग्रुप को हटा देता है। तो जब ये फॉस्फेट ग्रुप हट जाता है तो यहाँ पर सिर्फ OH एक रह जाएगा, और ये डाईएसिल 1,2-डाईएसिल ग्लिसरॉल बन के रह जाएगा। अब यहाँ पर हम 1,2-डाईएसिल ग्लिसरॉल इसे बोल रहे हैं, फॉस्फेट नहीं बोल रहे, क्योंकि यहाँ पर जो फॉस्फेट था वो हट गया। अब चूंकि इसमें दो फैटी एसिड लगे हुए हैं ऑलरेडी, तो ट्राई एसिल ग्लिसरॉल बनाने के लिए एक फैटी एसिड और इसमें जुड़ेगा जो R3 टाइप का होगा। चार तीनों सेम भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ हमने तीनों को नंबर दिया है 1, 2 एंड 3। वो उसी सेम एंजाइम की सहायता से जुड़ेगा जिस एंजाइम की सहायता से नंबर 1 और 2 जुड़े थे, यानी एसिल ट्रांसफरेज। ए एसिल ट्रांसफरेज इसके साथ तीसरे को भी जोड़ देते हैं और ये एक ट्राई एसिल ग्लिसरॉल बन जाता है। तो ये ट्राई एसिल ग्लिसरॉल वो ट्राई एसिल ग्लिसरॉल है जो फ्यूल के तरह स्टोर काम आता है स्टोरेज में, मेन स्टोरेज फॉर्म ऑफ द फैट यही है बॉडी में। फिर फॉस्फेटाइडिक एसिड, जो जिसमें कि एक फॉस्फेट ग्रुप जड़ा जुड़ा हुआ है, अगर इस फॉस्फेट ग्रुप को हम नहीं निकालते, या मीन्स कि अगर इसको ऑर्गेनिज्म नहीं निकालेगा और इसमें कोई हेड ग्रुप जोड़ देगा, यहाँ पर अगर जोड़ देगा तो वो हेड ग्रुप इस प्रकार जुड़ेगा। वो हेड ग्रुप क्या हो सकता है? सीरीन है, कोलीन है, इथनो अमीन है, खुद ग्लिसरॉल भी हो सकता है। तो वो जब हेड ग्रुप यहां जुड़ जाता है तब हम इसे क्या बोलते हैं? ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। ये लिपिड हम जानते हैं कि ये मेम्ब्रेन में काम आते हैं, और जब रैपिड ग्रोथ हो रही होती है तो मेम्ब्रेन लिपिड बनाने के लिए ये वाला पाथवे काम करता है, और जब ग्रोथ नहीं हो रही होती है तो ये वाला पाथवे काम करता है जिसमें ट्राइएसिल ग्लिसरॉल बन जाता है। यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है वो मेजर सोर्स है ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट का। इसका जो है ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट का जो मेजर सोर्स है वो DHAP है। लेकिन ये जो ग्लिसरॉल है ये जो ग्लिसरॉल है ये भी ग्लिसरॉल भी डायरेक्ट, यानी बिना DHAP के, यानी ग्लिसरॉल भी डायरेक्ट ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट में बदल सकता है, जिसमें एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा? ग्लिसरॉल काइनेज। और इस प्रकार ग्लिसरॉल काइनेज जब हो जाएगा तो ये फिर से ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट बना लेगा। तो ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट के दो सोर्स हुए, एक तो खुद ग्लिसरॉल हुआ जिसे हम ग्लिसरॉल काइनेज की सहायता से ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, और जो दूसरा सोर्स है वो क्या है? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो यहां ये ग्लिसरॉल काइनेज जो एंजाइम है ये कहां मिलेगा? ये सिर्फ हमें बॉडी में ह्यूमंस मैमल्स में लीवर और किडनी में मिलता है ये ग्लिसरॉल काइनेज। कहाँ मिलेगा? सिर्फ लीवर और किडनी में। कहाँ नहीं मिलेगा? एडिपोज टिश्यू में नहीं मिलता है। तो थोड़ी सी मात्रा, यानी बहुत ज्यादा तो DHAP से ही आती है,
डीएचएपी से ही ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम की वजह से आती है, लेकिन कुछ मात्रा लीवर और किडनी में सीधे ग्लिसरॉल काइनेस के एक्शन की वजह से ग्लिसरॉल को ही हम फॉस्फेट में चेंज कर देते हैं। चूँकि ये काइनेज है इसलिए यहाँ पर एटीपी यूज होगा। फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से आएगा? एटीपी से ही। तो सीधा सा सिंपल सा है कि हम ट्राइएसिल ग्लिसरॉल कैसे बना रहे हैं। एसिल ट्रांसफरेस के कारण जो भी फैटी एसिड है मौजूद है वो ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट में धीरे धीरे करके जुड़ जाता है और इस ट्राइएसिल ग्लिसरॉल बनाता है। नहीं, अगर तीनों जुड़ते हैं, दो ही जुड़ते हैं, तो तीसरा जो फॉस्फेट ग्रुप है उस पर एक हेड ग्रुप जुड़ जाता है और वो इस तरीके से ग्लिसरो फॉस्फोलिपिड्स बनाता है। अब हमने ये देखा कि जितनी भी और हुई कि ये जो सिंथेसिस है ये टाइट रेगुलेशन में होती है और सिंथेसिस इज अंडर कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स। तो इसमें से मुख्य हार्मोन है वो है इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है कि फैटी एसिड सिंथेसिस को बढ़ा देता है और फैटी एसिड सिंथेसिस को जब बढ़ा देता है तो लीवर में जाकर के ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी बढ़ा देता है। ठीक है, तो हम इसे अब मिटा दे रहे हैं और इसके रेगुलेशन पर बात करेंगे। तो जो ट्राइएसिल ग्लिसरॉल है उसकी सिंथेसिस भी होती है और उसका डिग्रेडेशन भी होता है। तो उसकी सिंथेसिस अभी हमने देखी कैसे होती है और उसका डिग्रेडेशन यानी बीटा ऑक्सीडेशन के द्वारा होता है। इसमें बैलेंस बनाने के लिए हार्मोन का काम होता है। तो इंसुलिन क्या करता है, फैटी एसिड सिंथेसिस को बढ़ाता है और साथ ही लीवर में जाकर ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज चाहिए होता है ब्रेन को। तो ब्रेन के लिए अगर ये जितना ग्लूकोज है ब्लड में उसको फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए डाइवर्ट कर रहा है तो ये लीवर में जाके थोड़ा ग्लूकोज और बनवाएगा क्योंकि ब्रेन को ग्लूकोज ही चाहिए। तो डायबिटीज वाले में क्या होता है कि जो है जो एसिटिल कोएंजाइम ए है, एसिटिल कोएंजाइम ए जो कि ग्लूकोज से बन रहा है और यही एसिटिल कोएंजाइम ए फैटी एसिड बना रहा है, तो इंसुलिन इसको बढ़ाएगा फैटी एसिड को बनने को। तो अगर इंसुलिन डायबिटीज मान लीजिए किसी की बढ़ जाती है और इंसुलिन काम नहीं कर रही होती है तो ये बढ़ने लगता है एसिटिल कोएंजाइम ए। जिन लोगों को डायबिटीज टाइप बढ़ जाती है उनमें एसिटिल कोएंजाइम ए बढ़ जाता है जो कि अगर फैटी एसिड नहीं बन रहा है तो ये धीरे धीरे कीटोन्स बॉडीज में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? डायबिटीज में। डायबिटीज में ये कीटोन्स में बन जाता है। तो फैटी एसिड से ट्राइएसिल ग्लिसरॉल
ये सब इंसुलिन के ना बनने की वजह से इनका भी बनना रुक जाता है। चूंकि ट्राइएसिल ग्लिसरॉल नहीं बनता है, इसलिए जो लोग डायबिटिक होते हैं धीरे धीरे वो वेट को लूज करते चले जाते हैं। आपने देखा होगा जो डायबिटिक होते हैं वो धीरे धीरे उनका शरीर फिर कमजोर हो जाता है, क्योंकि इंसुलिन न मिलने की वजह से एसिटिल कोएंजाइम ए के कारण फैटी एसिड सिंथेसिस और उसके बाद ट्राइएसिल ग्लिसरॉल की सिंथेसिस रुक जाती है। तो ये तो इंसुलिन का काम है। और इंसुलिन के काम के बाद अब इसमें सिंथेसिस और डिग्रेडेशन, सिंथेसिस और डिग्रेडेशन में बैलेंस कैसे रखा जाए, बैलेंस कैसे होगा कि कितना फैट ग्लिसरॉल मतलब फैट फैट जो है बनेगा और कितना फैट डिग्रेड हो जाएगा। तो यहाँ पर एक जनरल ऑब्जर्वेशन ये आया कि जितना भी एडिपोज टिश्यू है वो लाइपेज एंजाइम के कारण जो लिपोलिसिस हो रही है, जिससे कि फैटी एसिड फ्री हो रहा है, एडिपोज टिश्यू से फैटी एसिड निकल रहा है क्योंकि लिपोलिसिस हो रही है और ग्लिसरॉल फ्री और ग्लिसरॉल भी अलग निकल रहा है, क्योंकि वही दो जो दोनों जुड़े थे ग्लिसरॉल के साथ तीन फैटी एसिड, अब लाइपेज ने एस्टर लिंक पर काम किया तो फैटी एसिड अलग हो गया और ग्लिसरॉल अलग हो गया। ये फैटी एसिड का 75% जो कि काफी बड़ी मात्रा है, ये फैटी एसिड का 75% री एस्टरीफाइड हो करके फिर से ट्राई एसिल ग्लिसरॉल बना लेता है। समझिए इस बात को कि एडिपोज टिश्यू ने लाइपेज एंजाइम ने लिपोलिसिस करी, फैटी एसिड रिलीज हुआ, वही फैटी एसिड जितना भी रिलीज हुआ उसका 75% फिर से तुरंत ट्राई एसिल ग्लिसरॉल बना लेता है। कुछ तो सीधे एडिपोज टिश्यू में ही बना लेते हैं, यानी रीएस्ट्रिफिकेशन कुछ तो एडिपोज टिश्यू में ही होता है और कुछ लीवर में होता है। तो लीवर में बनने के लिए एक साइकिल होती है जिसको कि हम एडिपोज सिस्टेमिक साइकिल बोल सकते हैं। उस साइकिल के थ्रू लीवर में फिर से ट्राई एसिल ग्लिसरॉल बन जाता है। अभी आपको ये समझ में नहीं आया होगा लेकिन मैं इसे लिख दूं कि फैटी एसिड है ये रिलीज होता है ट्राई एसिल ग्लिसरॉल से, इसमें फैटी एसिड निकलता है और ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल भी निकल जाता है। ये जो ग्लिसरॉल निकल रहा है और फैटी एसिड निकल रहा है तो फैटी एसिड को क्यों निकाल रहा है, क्यों? इसलिए कि इसका ऑक्सीडेशन हो जाए, इसका ऑक्सीडेशन हो जाए ताकि ये फ्यूल के रूप में काम आए। लेकिन इस फैटी एसिड का 75% फिर से ग्लिसरॉल थ्री फॉस्फेट की वजह से फिर से ट्राई एसिड ग्लिसरॉल बन जाता है।
ये जो ट्राइसिल ग्लिसरॉल है ये 75% ऑफ दिस फैटी एसिड है। तो ये फ्यूटाइल साइकिल क्यों हो रही है कि सिंथेसिस भी हो रही है और डिग्रेडेशन भी हो रहा है, लेकिन डिग्रेडेशन होने के बाद जो 75% डिग्रेडेशन हुआ है वो फिर से सिंथेसाइज हो जा रहा है। तो होता क्या है कि जो एनिमल की या मैमल की बॉडी है उसमें जो ट्राइएसिल ग्लिसरॉल है वो उसका कंटेंट चेंज नहीं होता है, बहुत लॉन्ग टाइम तक ये स्टे करते हैं। वो बात अलग है कि बीच बीच में अगर कोई स्टार्वेशन का फेज आ जाए तो थोड़ा सा उसमें चेंज आएगा, लेकिन वो उतना ही बना रहता है। तो ये जब ज़्यादा फ्यूल, मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल है, तब तो ये साइकिल बहुत कम चलेगी, यानी ट्राइएसिल ग्लिसरॉल फैटी एसिड में चेंज होगा, ये फिर से ट्राइएसिल ग्लिसरॉल में चेंज हो जाएगा ये साइकिल। अगर नॉर्मल फ्यूल कार्बोहाइड्रेट के रूप में यूज मिल रहा है तो ये कम चलेगा, लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो ये ज़्यादा चलता है। यानी ये देखने वाली बात है कि ये जो ट्राइएसिल ग्लिसरॉल बन रहा है यानी फिर से रीसिंथेसाइज हो रहा है, यानी रीएस्ट्रीफाइड हो रहा है, ये ज्यादातर कंडीशन में यानी एवरी मेटाबॉलिक कंडीशन में ऐसा होता है, मेटाबॉलिक कंडीशन में ऐसा होता है। तो ये ट्राइएसिल ग्लिसरॉल कहाँ है? ब्लड में है। इसकी जगह कहाँ हो रही है? ये जब लीवर में बनता है, पहले तो एडिपोज में बन जाता है थोड़ा सा, तो वो तो एडिपोज टिश्यू में ही रहा, लेकिन जब फैटी एसिड फिर से लीवर में आता है और लीवर में ट्राइएसिल ग्लिसरॉल बन के फिर से ये कहाँ चला जाता है? ब्लड। तो ब्लड में जितनी भी मात्रा फैटी एसिड की या ट्राइएसिल ग्लिसरॉल की होती है, वो आप ये मान के चलिए कि वो डिग्रेडेशन के कारण भी हो रही, उसकी मात्रा बढ़ रही है, और सिंथेसिस के कारण भी उसकी मात्रा बढ़ रही है। तो फैटी एसिड जो ब्लड में है ट्राइएसिल ग्लिसरॉल के रूप में या फ्री ही है चलिए, तो वो किसके कारण है? डिग्रेडेशन के कारण भी है और सिंथेसिस के कारण भी है। लेकिन यहाँ ये समझ में नहीं आता है कि अगर कोई चीज़ टूट रही है कि उसे फ्यूल के रूप में यूज होना है तो वो 75% वापस क्यों बन जा रही है? इसके बारे में थोड़ा सा कम नॉलेज है, अभी पता नहीं कि ये ऐसा क्यों होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी अनुमान लगाई गई हैं कि कुछ चीज़ों कि जब स्टडी हुई जिसमें ज़्यादातर इसकी स्टडी जो है डायबिटीज़ के कारण हुई है, इसीलिए लिपिड प्रोफाइल वगैरह ब्लड का चेक होता है कि उसमें ज़्यादा है कि नहीं। तो एक बात ये समझ में आई कि ये जो साइकिल है उससे जो ब्लड है उस ब्लड में हमेशा ट्राइएसिल ग्लिसरॉल या फैटी एसिड दोनों, क्योंकि एडिपोज टिश्यू से फैटी एसिड रिलीज हो रहा है और लीवर से ट्राइएसिल ग्लिसरॉल भी रिलीज हो रहा है ब्लड में, ये हमेशा बना रहता है। और क्यों बना रहता है? किसी भी ऐसी आपातकालीन स्थिति के लिए यानी इमरजेंसी कैसे हो सकती है? या तो किसी से लड़ाई हो जाए तुरंत फाइट की अवस्था में, या फ्लाइट की अवस्था में यानी कहीं भागना पड़ जाए जान बचा करके, तो एकदम से शरीर को एनर्जी कहां से मिलेगी? तो वो एनर्जी ये ट्राइएसिल ग्लिसरॉल या फैटी एसिड जो प्रेजेंट है ब्लड में, हमेशा उनका एक लार्ज अमाउंट मेंटेन रह रहा है, उसकी वजह से ये इमरजेंसी की स्थिति में जो कि डर के मारे भागना या उत्तेजित होकर लड़ना, इसके कारण जो स्थिति आती है उसमें एनर्जी प्रोवाइडर का काम ये
करते हैं। तो यही एक कारण पता चला है कि इसी वजह से क्या हो सकता है कि जो भी डिग्रेडेशन में बन रहा है उसमें मेजॉरिटी फिर से सिंथेसाइज हो जा रहा है। ये तो एक पॉइंट हुआ कि ये ऐसा क्यों है, ये तो एक पॉइंट है नंबर वन। लेकिन नंबर टू पॉइंट क्या है? नंबर टू पॉइंट है कि अगर फैटी एसिड को वापस ट्राई एसिल ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होना है तो ग्लिसरॉल थ्री फॉस्फेट कहां से आ रहा है? फैटी एसिड तो चलिए एडिपोज टिश्यू से आ रहा है, एडिपोज टिश्यू में जैसे ही फैटी एसिड आता है तो एडिपोज टिश्यू में ग्लिसरॉल भी बनता है, ग्लिसरॉल भी बनेगा क्योंकि फैटी एसिड के साथ जो एस्टरीफाइड बॉन्ड था वो सब टूट गया तो अब ग्लिसरॉल बचा है। तो ग्लिसरॉल फैटी एसिड एडिपोज टिश्यू में है लेकिन ये ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल थ्री फॉस्फेट में चेंज नहीं हो सकता है वहां पर। यानी ये जो ग्लिसरॉल है दिस इज नॉट द सोर्स ऑफ ग्लिसरॉल थ्री फॉस्फेट इन एडिपोज टिश्यू। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी हमने आपको बताया था कि ग्लिसरॉल काइनेज जो कि ग्लिसरॉल को चेंज कर सकता है ग्लिसरॉल थ्री फॉस्फेट में, इट इज एब्सेंट इन एडिपोज टिश्यू। ये कहां है? सिर्फ किडनी और लिवर में। तो ग्लिसरॉल थ्री फॉस्फेट एडिपोज टिश्यू में इस फैटी एसिड के बनने के कारण जो ग्लिसरॉल बचा है उससे नहीं बनता है। तो फिर ये कैसे आएगा? क्योंकि स्टार्वेशन की जब स्थिति होती है, जब स्टार्वेशन की स्थिति होती है तो ग्लाइकोलिसिस भी बंद हो जाती है क्योंकि ग्लूकोज तो है ही नहीं हमारे पास, स्टार है भाई, जहां कार्बोहाइड्रेट का इंटेक नहीं है तभी तो फैटी एसिड यूज हो रहा है। और फैटी एसिड किस में यूज हो रहा है? जाके डिफरेंट ऑर्गन्स में और मसल्स में, जो ऑक्सीडाइज होगा, बीट ऑक्सीडेशन होगा, एसिटिल कोएंजाइमें निकलेगा, एसिटिल कोएंजाइमें साइट्रिक एसिड साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की वजह से उनके में जा करके एटीपी या एनर्जी रिलीज करेगा। तो यहां पर ग्लाइकोलिसिस तो हो ही नहीं रही है, तो चूंकि ग्लाइकोलिसिस नहीं है तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ये भी अवेलेबल नहीं है। तो ग्लिसरॉल थ्री फॉस्फेट कहां से आएगा? तो इसमें जब ये देखा गया कि ग्लिसरॉल थ्री फॉस्फेट या ट्राई एसिल ग्लिसरॉल या लिपिड प्रोफाइल जिसे हम जानते का डायबिटीज टाइप 2 से संबंध है, तब इसकी फिर से स्टडी शुरू हुई और जो खोज बहुत पहले हो गई थी और किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया था उस पर फिर से स्टडी शुरू हुई। तो 1960s में लिया री शेफ एंड कोवर्कर्स ने एक नई चीज खोजी, तभी खोज ली थी लेकिन बाद में किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया था और अभी रिसेंटली फिर से इस पर गया है। उन्होंने देखा कि दो एंजाइम है, पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंड फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सी काइनेज, ये दो एंजाइम हैं कौन से जो ग्लूकोनियो जेनेसिस करते हैं। ये दोनों एंजाइम
एडिपोस टिश्यू में क्या कर रहे हैं? दे फाउंड दैट दीज टू एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन एडिपोस टिश्यू. एडिपोस टिश्यू में क्या रहेगा? हमारे पास फैट्स हैं, लेकिन वहां पर ग्लूकोज तो है ही नहीं. ग्लूकोज नहीं है, लेकिन तब भी ये दोनों वहां क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने देखा कि ग्लूकोनियोजेनेसिस के साथ साथ एक ग्लिसरोनियोजेनेसिस भी होती है, जिसमें कि एंड प्रोडक्ट क्या होता है? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. तो वो जो साइकिल थी उसे जो है इन्होंने जब देखा और को वर्कर्स और भी देर आर सम अदर साइंटिस्ट ऑल्सो, तो उन्होंने ये कहा कि ये ग्लिसरोनियोजेनेसिस हो रही है जो कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना रही है, जो कि ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के द्वारा फिर से ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट बना रही. तो जो मेजर डीएचएपी जो आ रहा है, जो कि सोर्स है, वो किसकी वजह से आ रहा है? ग्लिसरोनियोजेनेसिस से. हम जानते हैं कि पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज ये क्या बनाता है? ऑक्सेलो एसीटेट. ये क्या बनाता है? ऑक्सेलो एसीटेट बनाता है. और ये जो ऑक्सेलो एसीटेट है ये पीईपी कार्बोक्सी काइनेज के द्वारा फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट बनाता है, जो उल्टा ग्लाइकोलिसिस यानी ग्लूकोनियोजेनेसिस जब चलती है तो एक समय पर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना देता है. तो पाइरुवेट कार्बोक्सिनेज जो कार्बोक्सिलेज है, यानी पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, वो यहां पर काम करेगा. पाइरुवेट से OA बनाएगा, OA से PEP बनाने के लिए PEP कार्बोक्सी काइनेज काम करेगा, और PEP फिर से डिफरेंट स्टेप्स के द्वारा DHAP बना लेगा, जो कि बाद में ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज के द्वारा ये ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट बनाता है, और इसमें एक NADH खर्च हो जाता है. NADH खर्च हो जाता है. तो जो दूसरा सवाल था कि ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट कहां से आ रहा है, वो ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट ग्लिसरोनियोजेनेसिस के द्वारा आ रहा है. अब इसमें दूसरे हार्मोन का रोल आया. अब दूसरे हार्मोन का रोल क्या आया कि जो ग्लूकेगॉन और इपिनेफ्रिन है, जो ग्लूकेगॉन और जो एपिनेफ्रिन है, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को बढ़ाते हैं. और साथ ही किसको बढ़ाते हैं? ग्लिसरोनियोजेनेसिस को. ये जो ग्लूकेगॉन एपिनेफ्रिन है जो ग्लूकोनियोजेनेसिस ग्लिसरोजेनेसिस को अफेक्ट करती हैं, इनका मेन काम होता है रिलीज ऑफ फैटी एसिड्स और जो है इनएक्टिवेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस.
लेकिन ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लिसरोनियोजेनेसिस में जो मेन हार्मोन का जो पार्ट है वो क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हॉर्मोन्स, क्या नाम है, कॉर्टिसोल, जिसे हम जो आर्टिफिशियल है उसे हम क्या बोलते हैं, डेक्सा मेथाजोन। ये क्या करता है, ये ग्लिसरोनियोजेनेसिस को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाता है, क्योंकि ये पी कार्बोक्सी काइनेस के जीन को एक्टिवेट कर देता है, किसमें कर देता है, लीवर में। तो इसका मेन काम क्या है कॉर्टिसोल और डेक्सामेथासोन का, कि दे इंड्यूसेस द जीन ऑफ पीईपी कार्बोक्सी काइनेज इन द लीवर। लीवर में तो ये बढ़ा देता है, जिससे कि वहां पर ट्राईएसिल ग्लिसरॉल बढ़ जाता है। लेकिन एडिपोज टिश्यू में ये इस जीन को इनएक्टिवेट कर देता है। तो इनएक्टिवेट करने की वजह से ग्लिसरोनियोजेनेसिस एडिपोज टिश्यू में कम हो जाती है और लीवर में बढ़ जाती है। तो जब लीवर में, मतलब रेसिप्रोकल कंट्रोल होता है, जब लीवर में बढ़ जाती है तो लीवर जो है पीईपी कार्बोक्सी काइनेज की वजह से पीईपी बनाने लगता है, और पीईपी डीएचएपी में चेंज होकर के, मतलब प्रोडक्ट बनाता है जो डीएचएपी ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब ये आप ये मान के चलिए कि जो ग्लिसरोनियोजेनेसिस है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस का एक शॉर्ट एंड फॉर्म है, ये इसी का हिस्सा है, ये कोई अलग से साइकिल नहीं है। हम केवल इस ग्लूकोनियोजेनेसिस में इसको कहां तक कंसीडर कर रहे हैं, जब तक कि इसकी वजह से, यानी ग्लूकोनियोजेनेसिस की वजह से डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ना बन जाए। तो ये एक शॉर्ट एंड फॉर्म ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस है। तो जब एडिपोज इसमें जीन एक्टिवेशन होता है कॉर्टिसोल से, तो ये डीएचएपी बनाता है, जिससे लीवर जो है ब्लड में ट्राईएसिल ग्लिसरॉल को एक्सपोर्ट करने लगता है, और उसी तरीके से एडिपोज टिश्यू में ग्लिसरोनियोजेनेसिस कम हो जाती है। तो जब कम हो जाती है तो वहां पर ट्राईएसिल ग्लिसरॉल नहीं बनता एडिपोज टिश्यू में, वहां पर क्या होगा, डिग्रेडेशन की प्रोसेस होगी, जिससे कि मोर एंड मोर फैटी एसिड रिलीज फ्रॉम द एडिपोज टिश्यू रीचेस टू द लीवर, देन अगेन कन्वर्टेड इनटू ट्राईएसिल ग्लिसरॉल एंड अगेन रिलीज्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो ये एक रेसिप्रोकल कंट्रोल है इसमें कॉर्टिसोल का, जो कि इस ग्लिसरोनियोजेनेसिस को कंट्रोल करता है। तो हमने ये देखा कि जो सिंथेसिस है वो डिग्रेडेशन के साथ मिलके चलती, और ट्राईएसिल ग्लिसरॉल का जो वो है कंसंट्रेशन है वो ब्लड में इसलिए बना रहता है, भले ही चाहे जैसी भी विपदा आ जाए, लेकिन वो ब्लड में बना इसलिए रहता है कि कोई एक्सट्रीम इमरजेंट कंडीशन आ जाए तो उस समय स्टोर्ड एडिपोज टिश्यू से स्टोर्ड फैट को बाहर निकाल कर फिर उसको फ्यूल की तरह यूज करने से अच्छा है कि ब्लड में पहले से जो फैटी एसिड और ट्राईएसिल ग्लिसरॉल मौजूद है उसको डायरेक्टली हम फ्यूल के तरीके से इस्तेमाल कर सके। तो ये हमने देखा कि कॉर्टिसोल किस तरीके से कार्बोक्सी काइनेज को लीवर में बढ़ाता है। लेकिन एक रिसेंटली एक नए कंपाउंड का पता लगा, या समझिए उसको बना देखा गया, उस पर रिसर्च हुई कि जो ग्लिसरोनियोजेनेसिस है उसे लीवर में कॉर्टिसोल
अफेक्ट कर रहा है और उसे एडिपोज में, एडिपोज टिश्यू में एक नया कंपाउंड आया, वो क्या है, थायो, थायो नहीं, थाया जॉली डोन डाइईन, इसका जो है नाम इस तरीके से थाया जॉली डोन, जॉली डोन नहीं बल्कि जॉली डाइन, थाया जॉली डाइन डाइईन, ये जो केमिकल कंपाउंड है ये क्या करता है, पीईपी कार्बोक्सी काइनेज का इंडक्शन एडिपोज में बढ़ा देता है। होता क्या है कि जब क्लिस्ट्रोनियोजेनेसिस होती है तो ब्लड में फैटी एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, यानी लिपिड प्रोफाइल बढ़ जाता है और इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, जिससे टाइप 2 डायबिटीज, यानी लिपिड प्रोफाइल बढ़ गई तो टाइप 2 डायबिटीज का खतरा होता है, क्योंकि ग्लिसरोनियोजेनेसिस लीवर में कॉर्टिसोल की वजह से बढ़ रही है और उसकी वजह से बढ़ने के कारण फैटी एसिड ब्लड में ज्यादा आ रहा है और ज्यादा आने के कारण इंसुलिन जो कि फैटी एसिड को फैट में बदलता है वो उससे रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है और टाइप 2 डायबिटीज हो रही है। तो जब हम थायाजोली डीन डाइईन, THIAZOLIDINE DIONES थायाजोलिडीन डाइओन, इतना बड़ा ये है कंपाउंड, जब इसको ऐड करते हैं तो ये फैटी एसिड का कॉन्सेंट्रेशन लो कर देता है ब्लड में, लो कर देता है ब्लड में और ग्लिसरोनियोजेनेसिस को एडिपोज टिश्यू में बढ़ा देता है, ग्लिसरोनियोजेनेसिस को एडिपोज टिश्यू में बढ़ा देता है, जिससे कि पीईपी कार्बोक्सी काइनेज जब एडिपोज टिश्यू में ज्यादा हो जाएगा तो वहां पर वो ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट को रिलीज कर, मतलब वहां की अवेलेबिलिटी उसकी बढ़ा देगा। तो जब ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट अवेलेबल हो जाएगा एडिपोज टिश्यू में ही, तो एडिपोज टिश्यू में लिपोलिसिस के द्वारा जो फैटी एसिड बना है वो फिर से ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट से रीएस्टरीफाइड, यानी फिर से एस्टर लिंक बन जाएगा, वो फिर से एक ट्राइएसिल ग्लिसरॉल वहीं पर बना लेगा और फैटी एसिड जो ब्लड में रिलीज होने वाला था वो रुक जाएगा। तो थायाजोलिडीन डाइओन्स ये जो केमिकल कंपाउंड है ये इस पर काम करते हैं, लेकिन इसके साथ एक जो गड़बड़ जुड़ी हुई है वो ये है कि ये हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ा देते हैं, एक इसका जो कमर्शियल नेम है वो क्या है, एवेंडिया, एवेंडिया नाम से, या रॉसी ग्लैटाजोन, क्या है इसका नाम, रॉसी ग्लैटाजोन, ये जो
इसका कंपाउंड का नाम है, मतलब इसके जो कमर्शियल नेम है, जो आर्टिफिशियल प्रोडक्ट है, जो रॉसी ग्लैटाजोन जिसे हम एवेंडिया के नाम से कमर्शियली जानते हैं, इसका उपयोग इसीलिए नहीं हो पाया मास लेवल पर क्योंकि ये हार्ट अटैक का रिस्क बना रहा है। डायबिटीज 2 को तो सही कर रहा है लेकिन हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जा रहा है ड्यू टू अननोन रीजन, येट अभी हमें मालूम नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसीलिए इसका बड़े कंट्रोल वे में इसे एडमिनिस्ट्रेट करते हैं और अभी भी इसकी क्लिनिकल ट्रायल चल रही है। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि ट्राई एसिल ग्लिसरॉल और ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स कैसे बनते हैं और ट्राई एसिल ग्लिसरॉल का सिंथेसिस और डिग्रेडेशन कैसे बैलेंस होता है शरीर। नेक्स्ट लेक्चर में हम फॉस्फोलिपिड जो मेम्ब्रेन लिपिड्स हैं, सॉरी, वो उन मेम्ब्रेन लिपिड्स की सिंथेसिस कैसे होती है उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में टेकअप करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड